पुनीत शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्या राशि मई 2024 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। मई के महीने में आपका स्वास्थ्य, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, धन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। मई के महीने में आपका ग्रहों का गोचर इस प्रकार है। केतु आपके लगन से, शनि आपके षष्ठम भाव से, राहु मंगल बुध आपके सप्तम भाव से, सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव से, गुरु आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य लगन से देखा जाता है और लगन के स्वामी बुध 11 मई तक सप्तम भाव में है, उसके बाद अष्टम भाव में से गोचर करेंगे और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। 11 मई तक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 11 मई के बाद थोड़ी सी आपको इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकती है, सीजनल बुखार, सर्दी खांसी थोड़ी हो सकती है, इसका आप ख्याल करें। अगर संतान की बात करें तो ये पंचम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी शनि आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि से, तो संतान को लेकर आप अस्वस्थ रहेंगे। संतान से लेकर कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी, संतान से आपको खुशियां मिलेंगी और उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी पंचम भाव में देखा जाता है, उनकी पढ़ाई में मन लगेगी, उनकी कंसंट्रेशन बनेगा, उनकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें सफलता मिलेगी, या कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो उनके फेवर में आएगी, और अगर कहीं मनचाहा एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी उनके फेवर में होगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी गुरु भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन राहु मंगल बुध बैठे हुए हैं, राहु के साथ बुध बुद्धि जड़ बुद्धि दोष का निर्माण हो रहा है, राहु मंगल का अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा लेकिन बीच में छोटी छोटी बातों पर वो इतना विस्फोट करेगा कि एक दूसरे के बीच तनातनी सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शनि षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के स्वामी बुध अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो प्रेम प्यार थोड़ी सी में थोड़ा सा तूतू मय की स्थिति होगी, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, तो दोनों में थोड़ी सी दूरियां हो सकती है मई के महीने में। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके नवम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी शुक्र अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, 19 मई को वो आ जाएंगे आपके भाग्य भाव से, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र अपने ही राशि से गोचर करेंगे, गुरु भी बैठे हुए हैं, लेकिन 19 मई के पहले थोड़ा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, 19 मई के बाद भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है। 19 मई के बाद कोई भी काम अगर आप सोचे हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें आपके आप सफलता मिलेगी। अगर करियर की बात करें तो करियर आपके दशम भाव से गोचर देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी बुध 11 मई तक, तो अगर करियर में कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके फेवर में होगा, और कोई नौकरी खोजना चाह रहे हैं, नौकरी पाना 11 मई तक के पहले आप प्रयास करेंगे तो वो सफलता मिल सकती है। 11 मई के बाद जब बुध अष्टम भाव से गोचर करेंगे तब थोड़ी सी परेशानी करियर में हो सकती है, आपका टेंशन हो सकता है, बॉस के साथ थोड़ा तानातानी हो सकती है, या वर्क प्लेस पर आप टेंशन का अनुभव करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, ये सब समस्याएँ आ सकती हैं। अगर आपको लाभ और इच्छा की बात करें तो एकादश भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी चंद्रमा हर सवा दो दिन पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन आप मिड मई के बाद मतलब 15 मई के बाद आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि शुक्र भी आ जाएंगे भाग्य स्थान में और आपका गुरु तो भाग्य का साथ आपको दे ही रहे हैं, तो लाभ होगा, कोई इच्छा है तो वो भी 15 मई के बाद आपको
कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति होती दिखाई दे रही है। अगर धन की बात करें तो धन आपके द्वितीय भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी शुक्र अष्टम भाव में, लेकिन इनकी सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो आपके पूरे महीने धन का आगमन होगा। धन का आगमन होगा, लाभ भी होगी, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। तो अगर माता के सुख और भूमि वाहन की बात करें तो वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी गुरु भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, और तो माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भूमि वाहन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन 19 मई के बाद आप लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल दें। जो भी परेशानी है उसमें कमी देखने को मिलेगी। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।